हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ATS क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित हैं और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ आपका डीजल और ऑटो साइकिल के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके हैं वो मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे। और ये जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे आपके SSC JEE के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वहाँ का कलेक्शन है, ठीक है। तो अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह के वीडियो में हमेशा अपलोड करते रहता हूँ जिससे आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन देखो आप, अ पेट्रोल इंजन थियोरेटिकली ऑपरेट्स ऑन, जो पेट्रोल इंजन होता है जिसको हम लोग SI इंजन भी बोलते हैं। SI का मतलब होता है स्पार्क इग्निशन। अगर इसका मैं PV डायग्राम की बात करूं तो प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम देखो कुछ इस तरीके से बनता है, जिसमें दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं और दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो इसको जो पेट्रोल इंजन होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी, क्योंकि इसमें जो हीट का एडिशन होता है ना एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर होता है, ठीक है। तो ये क्या कौन सा डायग्राम है? PV डायग्राम। तो आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द डीजल साइकिल इफ द कंप्रेशन रेशियो इज़ फिक्स्ड एंड द कटअप रेशियो इज़ इंक्रीज्ड। अगर मैं बात करूँ आपका डीजल साइकिल में, तो जो डीजल साइकिल का PV जो डायग्राम होता है कुछ आपका इस तरीके से होता है। इसमें आपके दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, एक कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है, और एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो इसमें जो हीट का जो आपका एडिशन होता है आपका कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, इसलिए जो आपके डीजल इंजन होते हैं ना उनको बोला जाता है आपका कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी बोला जाता है, और उनको CI इंजन भी बोलते हैं। CI का मतलब होता है कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर कटअप रेशियो को अगर बढ़ाया जाए तो एफिशियंसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा आपका। तो एफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है आपका डीजल साइकिल का वो होता है 1 - 1 upon r raised to power gamma minus 1 into rho to the power gamma minus 1 upon gamma into rho minus 1, जहाँ रो को कटअप रेशियो बोलते हैं और आर आपका जो होता है ये कंप्रेशन रेशियो होता है। तो आप हमेशा याद रखना, अगर आर और गामा को अगर बढ़ाओगे तो एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी, और अगर कटअप रेशियो को बढ़ाओगे तो आपकी एफिशिएंसी जो है घटेगी। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कंप्रेशन रेशियो आर कॉन्स्टेंट है लेकिन कटअप रेशियो को बढ़ा रहे हैं, तो कटअप रेशियो अगर बढ़ेगा तो आपकी जो एफिशिएंसी क्या होगी? घटेगी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डिक्रीज, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ फ्यूल इग्निशन इज यूज्ड इन डीजल इंजन। तो डीजल इंजन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्पार्क प्लग नहीं होता है, यहाँ हम लोग फ्यूल को यूज़ करते हैं, मतलब जो इसमें कंबशन करवाते हैं हीट फ्रॉम कंप्रेस्ड एयर, मतलब इंजन के अंदर में पिस्टन क्या करता है सिर्फ स्टार्टिंग में आपका एयर एंटर करता है और कंप्रेस करके हम लोग जो आपका एयर होता है उसका टेम्परेचर को इतना ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है, फिर यहाँ से फ्यूल इंजेक्ट होता है और कंबशन का प्रोसेस होता है। और स्पार्क प्लग आपका किस में लगा होता है? पेट्रोल इंजन में। तो इस आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 4। 4 का आंसर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द डीजल साइकिल को। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि डीजल साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, क्योंकि इसमें हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। और डीजल साइकिल को ही हम लोग CI इंजन भी बोलते हैं। CI का मतलब होता है कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन। और इसका अगर हम लोग बात करें आपका कंप्रेशन रेशियो जो आर होता है ये 16 से लेकर 22 होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच गैस विल प्रोड्यूस द हाईएस्ट एफिशिएंसी इन आइडियल ऑटो साइकिल फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो। तो जो आपकी एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, 1 - 1 upon r raised to power gamma minus 1। तो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आप r को और गामा को बढ़ाओगे तो एफिशिएंसी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखना, ये जो जितने भी सारे आपके अलग अलग जो नियम दिए हुए हैं ना, तो जो मोनो एटोमिक, डायटोमिक और ट्राई एटोमिक, ठीक है, ये जो तीन तरह के जो गैसेस होते हैं, तो मोनो एटोमिक के केस में जो गामा की वैल्यू होती है 1.67 होता है, डायटोमिक के केस में 1.4 होता है, ट्राई एटोमिक के केस में 1.3 होता है। तो इसमें पूछा है कि भैया एफिशिएंसी ज़्यादा किस में होगा, तो जिसकी गामा की वैल्यू ज़्यादा होगी उसी की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो इसमें जो आपका हीलियम होता है, हीलियम का गामा जो होता है वो होता है आपका 1.67 होता है, ठीक है, तो इसलिए इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी हीलियम के केस में। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या, व्हाट हैपेंस टू द रेटिंग ऑफ ए डीजल इंजन व्हेन द टेम्परेचर ऑफ इनटेक एयर इज इंक्रीज्ड। तो अगर आप इनलेट टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो डीजल इंजन में, तो भैया ये आपका इंक्रीज होगा लीनियरली, ठीक है, उसके रेटिंग पे डीजल इंजन का। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप,
विच साइकिल इज़ मोस्टली यूज इन हाई कंप्रेशन इंजन। तो हाई कंप्रेशन इंजन में क्या करते हैं हम लोग, ड्यूअल साइकिल का यूज़ करते हैं। ड्यूअल क्या होता है आपका, जो आपका डीजल साइकिल और ऑटो साइकिल का जो होता है दोनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग ड्यूअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, यहाँ पे आपका, यहाँ पे दो कंप्रेशन, इसमें पांच प्रोसेस होते हैं, दो आइसेंट्रोपिक होता है, ठीक है, दो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है और एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या, फॉर द सेम हीट एडेड एंड द सेम कंप्रेशन रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम कंप्रेशन रेशियो का मतलब होता है कि अगर आर मान लो सेम रखा जाए तो बताओ एफिशिएंसी ज़्यादा किसकी होगी। तो जब आर सेम रहेगा ना तब आपकी ऑटो साइकिल की जो एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होगी किससे, डुअल। डुअल हमेशा बीच में रहेगा और सबसे ज़्यादा उसके बाद होगा आपका सबसे कम डीजल साइकिल का। ठीक है, तो ये सिर्फ किस केस में बनेगा, सिर्फ कंप्रेशन रेशियो अगर जब सेम रहेगा, बाकी के केस में तो हमेशा डीजल का ही आपका ज़्यादा रहेगा। अब बीच में तो डुअल है भैया, तो डुअल बीच में ही रहेगा और सबसे कम रहेगा किसका, आपका रहेगा पेट्रोल इंजन का। लेकिन इस केस में अगर कंप्रेशन रेशियो सेम रहेगा तो एफिशिएंसी आपकी ऑटो साइकिल की ज़्यादा रहेगी किससे, डीजल साइकिल से। तो आंसर इसका 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 9 क्या है, द प्रेशर इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक इन ए पेट्रोल इंजन आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ। मतलब जैसे कि हम लोग को पता है कि इसमें जो आपके पेट्रोल इंजन जिसमें आपके 4 स्ट्रोक में 4 जो स्ट्रोक सक्शन होता है उसका कंप्रेशन होता है, तो कंप्रेशन करने के बाद आपका जो यहाँ पर टेम्परेचर होगा पेट्रोल इंजन में और जो आपका प्रेशर होगा ये आपका होता है 6 to 12 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका प्रेशर हो जाता है और 250 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर हो जाता है। ये आपका डेटा बेसिस है तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस टू द एफिशिएंसी व्हेन द टेम्परेचर ऑफ इंटेक एयर इज लोअर्ड इन एन आईसी इंजन। तो देखो इंटेक एयर अगर आप मतलब जो इनलेट टेम्परेचर होता है आपका मतलब T1 जो होता है, अगर T1 को अगर आप क्या करोगे कम करोगे तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगर आप देखना चाहते हो तो देख लो कैसे होता है ये। अगर मैं बात करूँ आपका पेट्रोल इंजन के बारे में तो हम लोग क्या लिखते हैं, 1 - 1/r^2 γ-1। और हमें पता है T2/T1 जो होता है वो क्या होता है, r^2 γ-1 होता है। मतलब r^2 γ-1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, T2/T1। और जब इसको आप यहाँ पे लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 - T1 आपका ऊपर चला जाएगा, ये आपका हो जाएगा T2। तो मतलब क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप इनलेट टेम्परेचर को कम करोगे तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इन एन ऑटो साइकिल एयर इज कंप्रेस्ड फ्रॉम 3 liter to 2.4 liter फ्रॉम ए स्टार्टिंग प्रेशर ऑफ 1.5 kg/cm². द नेट आउटपुट पर साइकिल दिया हुआ आपका, व्हाट इज द मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो क्वेश्चन जो भी पूछे ना सबसे पहले देखो कि फाइंड आउट क्या करने के लिए बोल रहा है मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो वर्क डन ये आउटपुट पर साइकिल हमको देकर रखा 40 kJ, हमें निकालना क्या स्वेप्ट वॉल्यूम। तो स्वेप्ट वॉल्यूम इसमें क्या बोला ना, जो आपका ऑटो साइकिल है ना तो ऑटो साइकिल आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, पीवी डायग्राम में तो इसने क्या बोला है कि आपका जो वॉल्यूम है ना 3 से लेकर 2.4 liter तो कंप्रेस किया गया है, मतलब आपकी जो स्वेप्ट वॉल्यूम है वो आपका हो गया 0.6 × 10³ - 3 m³। ठीक है, लीटर में दिया हुआ है उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिए। अब बस इसको पुट करना है, आप 400 यहाँ पर रख दो और नीचे क्या रखो 400 kJ, तो 10³ भी करना पड़ेगा और नीचे में क्या रखोगे 0.6 × 10³ - 3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मीन इफेक्टिव प्रेशर यहाँ से निकल के आया गया आपका 667 MPa। ठीक है, तो 11 का आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, CP and CV फॉर वर्किंग फ्लूड इन डीजल साइकिल आर, देखो CP और CV देकर रखा हुआ है, साइकिल कौन सा है, डीजल साइकिल, ये सिर्फ आपको चेक करना है। उसके बाद बोल रहा है कि टेम्परेचर एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द हीट एडिशन प्रोसेस आर इतना। मतलब भैया दो जगह का आपका प्रोसेसर टेम्परेचर देकर रखा हुआ, कहाँ का, जब आपका हीट एडिशन स्टार्ट होता है और जब खत्म हो जाता है। तो पूछ रहा है कि कितना हीट एड हुआ। तो सबसे पहले आप इसका क्या करो, पीवी डायग्राम ड्रॉ कर लो। तो अगर मैं बात करूँ डीजल साइकिल की पीवी डायग्राम, तो भैया ये कुछ इस तरीके से बनेगा।
ठीक है। तो हीट एडिशन आप कहाँ का किस पॉइंट से करते हो, ये टू वाले पॉइंट से करोगे, थ्री पे ख़त्म हो जाएगा आपका। तो ये टू और थ्री का टेम्परेचर दे के रखा हुआ है, तो डीजल साइकिल में हीट का एडिशन कॉन्स्टेंट प्रेशर पे करते हो, तो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे यहाँ पे हीट ट्रांसफर कितना लिखोगे, एम सी पी डेल्टा टी लिखोगे। लेकिन यहाँ पर के जी में पूछा मतलब मास क्या लोगे, वन के जी ले लोगे, तो सी पी आपका दे के रखा हुआ वन किलो जूल पर के जी पर केल्विन, डेल्टा टी जब आप उसको करोगे ना तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आएगा 250 किलो जूल पर के जी आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखो आप। एन इंजन बेस्ड ऑन ए स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल, तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आएगा ना सबसे पहले देखा करो कि साइकिल कौन सा दिया हुआ, तो ये कौन सा साइकिल आपका ऑटो साइकिल दिया हुआ। इज ऑपरेटिंग विथ एयर एज एन मीडियम विथ स्पेसिफिक हीट गामा देख रखा हुआ आपको 1.4, हैज अ सिलेंडर डायमीटर 5 सेंटीमीटर और स्ट्रोक लेंथ देख रखा हुआ आपका 7.5 सेंटीमीटर और आपका यहाँ पे क्लियरेंस वॉल्यूम देख रखा हुआ है और हीट सप्लाइड पर केजी आपका देख रखा हुआ 900 किलो जूल पर केजी। तो पूछा वर्क आउटपुट, जब क्वेश्चन आप सबसे पहले क्या गिवन डेटा आप सब कुछ लिख लिया करो, ठीक है, ऑटो साइकिल है ना, तो ऑटो साइकिल का आप क्या करो इसका पीवी डायग्राम बना लिया करो। तो पीवी डायग्राम आपका कुछ ये होता है, तो पूछा क्या कि देन वर्क आउटपुट पूछा है, तो हमें पता है कि वर्क आउटपुट हमें कहां कहां से मिल सकता है, एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, वर्क आउटपुट अपॉन हीट सप्लाई होता है, ठीक है। देखो हीट सप्लाई तो आपको दे के रखा हुआ, कितना दे के रखा हुआ 900 किलो जूल पर केजी यहाँ पे दे के रखा हुआ, लेकिन मुझे वर्क आउटपुट अगर निकालना है तो मुझे एफिशिएंसी चाहिए, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमें क्या पता, 1-1 अपॉन आर रेज टू पावर गामा माइनस वन। अब देखो एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको गामा 1.4 यहाँ पे दिया हुआ है, अब चाहिए आर, तो कंप्रेशन रेशियो आर जो होता है ना, ये एक फॉर्मूला इसका याद रखो आप, ये होता है 1/C+1, ठीक है, जहाँ पे सी को बोलते हैं हम लोग क्लियरेंस रेशियो, और क्लियरेंस रेशियो सी कैसे निकलेगा, ये होता है क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन स्वैप्ट वॉल्यूम। तो देखो क्लियरेंस वॉल्यूम भी आपका देकर रखा हुआ है 88.15 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, तो आप निकालना आपको क्या स्वैप्ट वॉल्यूम, तो स्वैप्ट वॉल्यूम आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो क्या, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू स्ट्रोक लेंथ एल। तो यहाँ से आप स्वैप्ट वॉल्यूम निकाल लो, क्लियरेंस वॉल्यूम दिया हुआ तो सी निकल जाएगा, सी निकल गया तो आपका आर निकल जाएगा, आर का वैल्यू पुट करो, गामा का भी दिया हुआ है, एफिशिएंसी यहाँ से निकल जाएगा और एफिशिएंसी का वैल्यू रख दो और हीट सप्लाई भी दिया हुआ है आपका, तो यहाँ से आपका वर्क आउटपुट निकल के आ जाएगा 291.6 आ जाएगा, ठीक है, किलो जूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सुपर चार्जिंग। देखो सुपर चार्जिंग क्या होता है ना, जब हम लोग हिली एरिया में जाते हैं ना तो भैया ऑक्सीजन जो होता है ना उसकी जो मात्रा होती है वो कम होने लगती है, तो इंजन में अगर ऑक्सीजन आएगा ही नहीं भैया तो फिर कंबशन कैसे होगा, इसीलिए हम लोग सुपर चार्जिंग मतलब वहाँ पे लगाया जाता है, आपका एक अरेंजमेंट होता है जिससे क्या होता है ना कि एक हायर डेंसिटी वाला मतलब आपका एयर भेजेगा कहाँ पे, इंजन के अंदर, जिससे आपका कंबशन क्या हो अच्छे से हो और आपको पावर जितना रिक्वायरमेंट हो आपको उतना मिलते रहे, क्योंकि आप हिली एरिया में जब जाओगे तो पावर की रिक्वायरमेंट आपको ज़्यादा होगा, जिसका आंसर क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, क्या होगा सप्लाइंग हायर डेंसिटी ऑफ एयर एट इनटेक देन द सराउंडिंग, ठीक है, मतलब इनलेट का जो टेम्परेचर होगा वो सराउंडिंग के टेम्परेचर में भैया ये ज़्यादा डेंसिटी का देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखो आप, हाउ सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल बी कम्पेयर टू दैट ऑफ डीजल। तो जो सेल्फ इग्निशन वो टेम्परेचर होता है मतलब किसी भी फ्यूल का, मतलब अगर आप उतना टेम्परेचर उसको दोगे तभी वो फ्यूल जलेगा, तो जो पेट्रोल इंजन होता है ना उसकी सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर आपके डीजल से ज़्यादा होता है, इसका ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा हायर। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड एज अ वर्किंग मीडियम इन एयर स्टैंडर्ड साइकिल। तो जितने भी हम लोग यहाँ पे ऑटो डीजल साइकिल जो डिस्कस करते हैं आपका, तो वहाँ पे जो आपका मीडियम होता है आपका आपका किसका गैस का, तो हम लोग वहाँ पे लेते क्या आइडियल गैस लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो आप, द वर्किंग साइकिल इन केस ऑफ 4-स्ट्रोक इंजन इज कंप्लीटेड इन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। मतलब कि जो 4-स्ट्रोक का जो इंजन होता है जहाँ पे आपका सक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, उसके बाद पावर स्ट्रोक होता है, फिर एग्जॉस्ट होता है, ये चार आपके स्ट्रोक होता है, ये चारों जो स्ट्रोक होता है ना आपके इंजन के अंदर में क्रैंकशाफ्ट जो होता है ना दो बार मतलब रोटेट करता है, कितना 360+360 मतलब 760 डिग्री, तो कितना हो गया दो कंप्लीट रोटेशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट का होता है इन केस ऑफ 4-स्ट्रोक इंजन में, तो इसका आंसर हो जाएगा टू हो जाएगा, मतलब टू आंसर उसका थ्री हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18 देखो आप,
18 में क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर ब्रेक हॉर्स पावर टू इंडिकेटेड हॉर्स पावर ऑफ एन आईसी इंजन कॉल्ड। अब देखो आप जब पढ़ोगे ना, पावर वगैरह जब हम लोग निकालेंगे तो क्या होता है, जब यहाँ पे स्पार्किंग होता है तो यहाँ पे पिस्टन के ऊपर में जब कंबशन होता है ना, तो वहाँ पर जो फ्यूल से हमें पावर मिलता है तो उस पावर को हम लोग बोलते हैं क्या, इंडिकेटेड पावर। उसके बाद पिस्टन का होता है मूवमेंट, तो पिस्टन का जब मूवमेंट होगा ना तो वहाँ पर फ्रिक्शन में कुछ भैया पावर खर्च हो जाता है, ठीक है। और क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करवाने में जो पावर मुझे मिलता है यहाँ पे, तो उस पावर को बोलते हैं ब्रेक पावर। मतलब एक चीज़ ये समझ में आ गया कि जो इंडिकेटेड पावर होता है इसको, ये समेशन किसका होगा, ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शन पावर का समेशन होगा, ठीक है। और इंडिकेटेड पावर जो होता है आपका पिस्टन के ऊपर में रहता है, और ब्रेक पावर जो होता है आपको क्रैंकशाफ्ट पे मिलता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, और एक चीज़ यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या होता है ना कि जो ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर का जो रेशियो होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा देखते हैं, द रेशियो ऑफ ब्रेक हॉर्स पावर टू इंडिकेटेड हॉर्स पावर जो होता है उसको क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा इसका, ठीक है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, द कंप्रेशन रेशियो ऑफ एन आईसी इंजन इज डिफाइंड एज, मैंने भी आपको समझाया था कंप्रेशन रेशियो आर जो होता है उसको हम लोग 1/C, सी को हम लोग लिखते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस 1। अब ये जब स्वेप्ट वॉल्यूम ऊपर में चला जाएगा भैया तो ये कैसे लिखोगे, स्वेप्ट वॉल्यूम अपन क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस 1 लिखोगे। तो देखो आप ये ऑप्शन नंबर 3 इसका शो कर रहा होगा, और हमेशा याद रखना 6 से लेकर 12 जो होता है ये कंप्रेशन रेशियो होता है ऑटो साइकिल के लिए, और 16 से लेके 10 ऐड कर दो आप, 16 से लेके 22 जो होता है कंप्रेशन रेशियो ये होता है आपका डीजल साइकिल के लिए होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, द पावर अवेलेबल एट द इंजन क्रैंकशाफ्ट इज नोन एज, मैंने अभी आपको समझाया था कि जो पिस्टन के ऊपर में पावर होता है उसको हम लोग इंडिकेटेड पावर बोलेंगे, और जो क्रैंकशाफ्ट के सामने जो पावर होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपको बोलेंगे ब्रेक पावर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 देखो, विलियम्स लाइन मेथड मोर्से टेस्ट एंड मोटरिंग टेस्ट कैन ऑल बी यूज टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर एन आईसी इंजन, मतलब विलियम्स लाइन और मोर्से टेस्ट होता है आपका आईसी इंजन में, तो ये हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, इंडिकेटेड पावर को फाइंड आउट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखो आप, द इंजन पावर इज नॉट एब्जॉर्ब्ड एज फ्रिक्शन इन, ये होता है आपका प्रोनी ब्रेक डायनामीटर के केस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द लिक्विड कूलिंग सिस्टम एज कम्पेयर टू द एयर कूलिंग सिस्टम फॉर एन आईसी इंजन, मतलब आईसी इंजन में जो का इंजन होता है, इंजन के अंदर जो कंबशन होता है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज होता है, तो भैया जो इंजन का जो मटेरियल होगा उसको कूल करना पड़ेगा। तो बोलता है कि अगर हम लोग लिक्विड कूलिंग सिस्टम यूज करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा इस कंपेरिजन टू एयर के कंपेरिजन में, तो भैया लिक्विड कूलिंग जो होता है आपको वो यूनिफॉर्म कूलिंग देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 24 क्या, इन टू स्ट्रोक इंजन द टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम एम्प्लॉयड इन द क्रैंक केसेस इन द इज द, इसमें होता है आपका वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखो, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द ऑयल सीजेस टू फ्लो वेन कोल्ड इज नोन एज, जिसको हम लोग बोलते हैं पोर पॉइंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन ऑफ ए डीजल इंजन का देकर रखा हुआ इतना, इफ़ द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डीजल इज इतना देकर रखा, तो द ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। तो भैया मुझे क्या बोला उसने, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, तो आपको पता होना चाहिए ना ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी होता क्या है, तो ये होता है ब्रेक पावर अपॉन हीट एड, हीट एड मतलब होता है मास ऑफ फ्यूल इंटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल होता है, ठीक है। अब हमें चाहिए भैया देकर रखा उसने क्या, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन देकर रखा हुआ है, तो जो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन होता है ये होता है कि आपका होता है ये मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल अपॉन ब्रेक पावर होता है, ठीक है। तो ब्रेक पावर के जगह आप क्या रख दोगे, मास फ्लो रेट फ्लो मतलब मास फ्लो ऑफ फ्लो रेट ऑफ फ्यूल रख दो, ठीक है, अपॉन ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन आ जाएगा। अब देखो ये मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल जो होता है ना ऊपर मतलब न्यूमरेटर डिनोमेटर में कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका सिर्फ कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व करोगे ना तो ये आपका 45% आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी 26 जो क्वेश्चन थे आपके, सारे ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सारे आपके SSC JEE में आए हुए हैं, ठीक है।
तो और भी आपके जो नेक्स्ट टॉपिक जैसे जैसे मैं कंप्लीट करवाऊंगा उसके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कंटिन्यू करवाते रहूँगा, ठीक है। और जिनको PDF चाहिए इसका, तो वीडियो के नीचे लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया होगा टेलीग्राम का, तो आप टेलीग्राम से जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। और जो नए हो अभी इस चैनल पे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक्स कर दें, ठीक है, ताकि उससे मुझे क्या होगा ना भैया, वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।